अच्छा, पहले हम बात करते हैं मस्टर्ड प्लांट। जाहिर है सबसे पहले आपको उसकी क्लासिफिकेशन हायरार्की का पता होना चाहिए, ठीक है। फैमिली तो हमें पता है ब्रासिकेसी फैमिली है, लेकिन बाकी उसकी हायरार्की आपको मालूम होना चाहिए। फाइलम है प्लांटे, किंगडम है प्लांटे, डिवीजन या फाइलम है एंजियोस्पर्मी, क्लास है डाइकोटिलीडनी और ऑर्डर है ब्रासिकेल्स, फैमिली का नाम है ब्रासिकेसी, जीनस नाम है ब्रासिका और स्पीशी नाम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ठीक है। ब्रासिका पूरा एक जीनस है, बहुत बड़ी जीनस है, जिसमें बाकी भी उसके साथ मेंबर है, जैसे शलजम है इसके साथ, गोभी है, ठीक है ना, बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारे जो है ब्रासिका में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से ब्रासिका ओलेरेसी जो है, ब्रासिका जेंसिया, ये सारे इसी में आते हैं, ठीक है। जमाया जो जिसको जमाई कहते हैं, जमाई प्लांट, वो भी इसी में आता है, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें हम आगे उसकी वेजिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स, ये फैमिली मेंबर है। अच्छा, इसमें लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि हर ग्रुप के लिए एक टाइप स्पेसिमन होता है, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पर ये आर्डर देखे या ये फैमिली देखे, देखें ये जो स्पीशी है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस, ये अपने जीनस के लिए क्या है, अपने जीनस के लिए एक टाइप स्पेसिमन, ठीक है। लेकिन यही जीनस जो है ये फैमिली के लिए क्या है, ये उसके लिए टाइप स्पेसिमन है, ठीक है। इसी तरह से जो ब्रासिकेसी है ये अपने आर्डर के लिए टाइप स्पेसिमन है, यानी कि इसी से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, एग्जैक्टली ये रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होता है। तो हमने टाइप स्पेसिमन पे लास्ट टाइम बात की थी कि हर फैमिली और हर आर्डर को, हर जीनस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पीशी ऐसा होता है जो उन सब के लिए एक स्पेसिमन का काम करता है, जिसको हम टाइप स्पेसिमन कहते हैं। वो मैंने आपको नॉमेनक्लेचर में डिटेल से बताया। वेजिटेटिव फीचर्स पे आते हैं, इनके वेजिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। तो वेजिटेटिव करैक्टरिस्टिक्स में दो तीन मैंने इसमें मेंशन किए हैं, वैसे काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैंने इसमें दो तीन दिए। प्लांट की हैबिट क्या है, हैबिट ऑफ द प्लांट, इसको कहते हैं हैबिट ऑफ द प्लांट, यानी कि उसका नेचर क्या है, किस किस्म का पौधा है। तो हैबिट ऑफ द प्लांट में हम बात करते हैं कि ये हर्बेशियस प्लांट है। हर्बेशियस मतलब प्लांट या तो वुडी होगा या श्रबी होगा या हर्ब्स की तरह होगा। तीन किस्म की जो है उसकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पर तीन किस्में हैं इसकी, ठीक है। हर्बेशियस, श्रबी एंड वुडी। हर्बेशियस वो है जिसकी स्टेम नाजुक होती है, यानी जड़ी बूटियों की शक्ल की होती है। श्रबी वो है जो जड़ियों की शक्ल का होता है, मजबूत होता है। और वुडी तो आप जानते हैं कि वो उससे भी ज़्यादा मजबूत होता है, जड़ियों से भी ज़्यादा मजबूत वुड है। तो अब ये जो पौधा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस एटेस हर्बेशियस प्लांट, यानी कि ये इसकी या उसकी जो साख्त है वो हर्ब्स की तरह है, ठीक है, नाजुक है। रूट्स उसकी कौन सी है, टेप रूट है, प्राइमरी रूट जो है वो बड़ा है, और उसके साथ साथ फिर उसके सेकेंडरी रूट्स भी होते हैं, प्राइमरी रूट्स एज वेल एज सेकेंडरी रूट जो है वो भी होते हैं अलॉन्ग विद टर्शियरी रूट्स। स्टेम वही बात है, जैसे प्लांट का हैबिट है तो उसी तरह से उसकी स्टेम होगी, मतलब हर्बेशियस प्लांट है तो स्टेम भी हर्बेशियस स्टेम होगी, यानी सॉफ्ट स्टेम होगी उसकी। लीफ पे बात करें तो लीफ उसकी क्या है, लीफ उसकी सिंपल लीफ है, कंपाउंड नहीं है। और लीफ की जो अरेंजमेंट है ब्रांच के ऊपर अल्टरनेट पेशेंट की है, मतलब अल्टरनेट मतलब कि एक साइड से पत्ता निकलता है तो फिर अगले साइड पे जो पत्ता होता है वो फिर उसकी बारी होगी, फिर पहले वाले की बारी, फिर नेक्स्ट, इसको कहते हैं अल्टरनेट। मतलब आमने सामने पत्ते उसके नहीं होंगे ब्रांच में, कहीं आप ब्रासिका को देखेंगे तो उसके पत्ते आपको अल्टरनेट नजर आएंगे, एक पत्ता एक साइड पे, फिर अगले साइड पे, फिर पहले साइड पे, फिर दूसरे पे, इस तरीके से होगा, इसको कहते हैं अल्टरनेट।
you are now unmuted. अरे जब लेबलिंग है सिर्फ You are now muted. वेजिटेटिव फीचर्स के बाद उसकी फ्लावर पे बात करते हैं तो उसकी फ्लावर को अगर हम देख ले तो उसमें ये पार्ट्स हमें माया नजर आते हैं फ्लोरल पार्ट्स उनके हमें ये नजर आते हैं पेडिसल है बाकायदा यानी इसकी जो स्टॉक है पेडिसल है फिर उसके ऊपर जो उसका रिसेप्टिकल है उसी के ऊपर उसके जो फ्लोरल एक्सेस है उसी के ऊपर उसका पहला जो वर्ल है इसको हम कहते हैं सेपल या कैलिक्स ठीक है सेपल और कैलिक्स की तादाद कितनी है चार है यानी चार पत्ते हैं ये और चारों के चारों फ्री है तो इसको हम कहते हैं गेमोसेपलस एक टर्म यूज होता है फ्री है तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस ठीक है दो टर्म यूज होते हैं एक होता है पॉली एक होता है गेमो पॉली अगर ज्यादा हो दो से तो उसके लिए पॉलीसेपलस और फ्री हो गेमो का मतलब यह है कि दो से ज्यादा है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं ये पत्ते आपको कहीं से भी जुड़े हुए नजर नहीं आते अलग अलग आपको नजर आते हैं ठीक है इसको हम कहते हैं पॉलीसेपलस यानी सेपल्स चार है दो से ज्यादा है तो कैलिक्स को हम कहते हैं पॉलीसेपलस ठीक है फिर हम आते हैं करोला के ऊपर यानी पेटल्स के ऊपर पेटल्स भी चार है एक दो तीन और सामने से उतरा हुआ है क्योंकि आपको ट्रांसेप्शन बता रहा था तो सामने वाला उसने उतार दिया है ठीक है तो ये जो है पेटल्स उसके चार पेटल्स है करोला में और इस कंडीशन को जिसमें पेटल्स दो से ज़्यादा हो और फ्री हो इसको हम कहते हैं पॉली पेटलस अगर फ्यूज हो तो फिर उसको हम गेमो कहेंगे लेकिन चूँकि फ्री है तो उसको हम पॉली पेटलस कहते हैं और एक जो इस फैमिली का इस पूरी फैमिली का डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जिससे हम इस फैमिली को ही पहचान लेते हैं ब्रासी के इसी फैमिली को वो इसकी पेटल्स में नुमाया है इनकी पेटल्स क्या है इनकी पेटल है क्या मैं क्या होता हूँ क्रोसीफार्म करोला इसकी करोला को क्या कहते हैं क्रॉस शेप करोला या क्रोसीफार्म करोला इसको कहते हैं अगर इसको आप देख ले तो ये ऐसे नजर आते हैं जैसे हम कोई जरब ड्रा करते हैं क्रॉस ड्रा करते हैं इसी वजह से इस करोला को क्या कहते हैं क्रोसीफार्म करोला इसको कहते हैं ठीक है फिर हम आते हैं उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे यानी कि एंड्रोशियम और गाइनेशियम पे आते हैं तो एंड्रोशियम इसकी यानी स्टेमन्स उसकी कितनी है स्टेमन्स की तादाद टोटल यहाँ पे तो सिर्फ दो शो किए गए हैं ना क्योंकि फ्लावर को दरमियान से काटा गया है तो टोटल स्टेमन है छः में दो बड़े हैं और दो छोटे हैं चार बड़े हैं और दो छोटे हैं इस कंडीशन को जिसमें चार स्टेमन बड़े हो और दो छोटे हो इसको कहते हैं टेट्रा डायनेमस ये एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो इस फैमिली में पाया जाता है बाकी किसी फैमिली में नहीं है ये मैं उस दिन आपको कह रहा था डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ठीक है इस फैमिली के एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर मैंने बताया क्रॉस शेप करोला का दूसरा मैंने बताया स्टेमन उसकी कैसी है स्टेमन्स उसकी छः हैं चार बड़े साइज के दो छोटे साइज के कंडीशन को हम कहते हैं टेट्रा डायनेमस कहते हैं फिर आप स्टेमन को तो आप जानते हैं कि उसमें फिलामेंट्स होता है और एक उसमें एंथर होता है एंथर के अंदर उसके पोलन सैक्स होते हैं और उसी पोलन सैक्स से ही इनका माइक्रोस्पोर या पोलन बनता है उसी के अंदर मॉर्फोलॉजी गाइनेशियम पे बात कर लें तो गाइनेशियम इसको हम एक एक को हम कार्पल कहते हैं कार्पल इसके दो है लेकिन जुड़े हुए हैं ये दरअसल दो कार्पल्स थे लेकिन साइड बाय साइड एक दूसरे के साथ क्या हो गए थे जुड़ गए थे इसी वजह से ऐसे गाइनेशियम को जिसमें दो कार्पल हो और दोनों जुड़े हो कंडीशन को हम कहते हैं बाई कार्पिलरी बाई का मतलब होता है टू कार्पल्स बाई मीन्स टू कार्पल का मतलब होता है कार्पल्स यानी दो उसमें कार्पल्स है या पेस्टल्स है और
दोनों चूंकि जुड़े हुए हैं तो इसको हम कहते हैं सिनकार्पस। कंडीशन को क्या कहते हैं? सिनकार्पस उसको कहते हैं। ठीक है, दो कार्पल बाइकार्पेलर जुड़े हुए हैं, सिनकार्पस उसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर जो ओव्यूल है, ओव्यूल्स काफी सारे हैं और ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट है या उसकी जो है उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ओव्यूल्स की जो प्रेजेंस है फ्लावर ओवरी के अंदर इसको कहते हैं प्लेसेंटा, जिसमें ओव्यूल्स लगा होता है। और ये जो अरेंजमेंट है जिसमें बिल्कुल सेंटर के अंदर एक साइड पर दूसरी साइड पे से फ्लावर्स ओव्यूल्स निकलते हैं उसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ये अल्फाज जो है मेरे पास यहाँ पे मैंने नहीं लिखे हैं, ये आपने नोट करने हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने क्या कहा? पहले मैंने कैलेक्स यानी सेपल्स के बारे में कहा। कैलेक्स और सेपल्स कितने हैं? चार है और चारों के चारों फ्री हैं तो पॉलीसेपल्स। पेटल्स, चार पेटल्स है करोला में, चार पेटल्स है और चारों के चारों फ्री हैं तो पॉलीपेटल्स। और एक चीज और आपने ऐड करना है पेटल्स के हवाले से, पेटल्स क्रोसीफॉर्म स्टाइल पे है, क्रॉस शेप फॉर्म है। ठीक है, क्रोसीफॉर्म करोला उसको कहते हैं। फिर मैंने स्टेमन्स के बारे में कहा, स्टेमन्स के बारे में मैंने कहा कि ये छह स्टेमन्स है इसमें और छह में से चार बड़े हैं दो छोटे हैं। कंडीशन को हम कहते हैं टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस, टेट्रा मींस फोर और डाई मींस टू, फोर प्लस टू, फोर लार्जर एंड टू स्मॉलर। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि जो उसकी गाइनीशियम है, गाइनीशियम में दो कार्पल्स हैं, बाइकार्पेलर हो गया और दोनों जुड़े हुए हैं तो सिनकार्पस हो गया। अंदर उसके अंदर जो ओव्यूल्स की प्लेसमेंट है उस प्लेसमेंट को कहते हैं प्लेसेंटा या प्लेसेंटेशन। और प्लेसेंटेशन या प्लेसमेंट किस किस्म की है? मार्जिनल प्लेसेंटेशन। आपने सिर्फ एक लफ्ज लिखना है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो समझने वाला जो टीचर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चा क्या कह रहा है। ठीक है, लेट्स सी अगेन अनदर फ्लावर। इसमें से आपको फिर शो किया गया है वही, इसमें आप देख सकते हैं कैलेक्स, वही सेपल्स। ठीक है, रिसेप्टिकल्स, पेडिसल। कैलेक्स है, करोला है, ये भी मेंशन है। फिर इसमें एंड्रूशियम और गाइनेशियम है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई तादाद नहीं है। अगर आपको इस तरह का फ्लावर दे दे और कहेंगे मस्टर्ड फ्लावर है, अगर आपको इनके इन्फो का पता है, इंफॉर्मेशन पता है, तो आप इसमें से बता सकते हैं कि ये फ्लावर कौन सा है और इसमें ये जो पार्ट्स हैं ये कितनी तादाद की है और किस किस्म की है। ठीक है, ये आपको मालूम हो जाएगा। अच्छा, फ्लावर की सिमेट्री के बारे में आपको मैंने कुछ नहीं बताया। इसकी सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, यानी कि हम मोर देन वन प्लेन में इसको डिवाइड कर सकते हैं टू टू इक्वल हाफ। तो एक्टिनोमॉर्फिक उसकी क्या है? सिमेट्री है। ये देखें, ये ओव्यूल शो किए गए हैं। ठीक है, ये जो है ये स्टेमन के अंदर माइक्रोस्पोरंजिया है, पोलन से उसको कहते हैं, और उसी के अंदर माइक्रो स्पोर्स या पोलन ग्रेन जो है वो डिवेलप होता है। अच्छा, मॉर्फोलॉजी क्या है फ्लावर के बारे में? ये मोस्टली परफेक्ट फ्लावर है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि उसमें चारों हिस्से मौजूद है, सेपल्स भी है, पेटल्स भी है, कैलेक्स भी है, करोला भी है, इसको कहते हैं परफेक्ट। ठीक है, नो सॉरी, परफेक्ट का मतलब ये है कि बाइसेक्सुअल है, मतलब इसमें एंड्रोशियम भी है और गाइनेशियम भी है, स्टेमन्स भी है और कार्पल भी है। ठीक है, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। एक्टिनोमॉर्फिक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब कि इसको आप ये एक फ्लावर ले लें तो आप इस प्लेन में भी इसको दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्लेन में भी आप उसको दो हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, फिर सेपल्स पे बात करें तो फोर सेपल्स हैं और फोर पेटल्स हैं और दोनों के दोनों चूंकि फ्री हैं तो पॉलीसेपल्स, पॉलीपेटल्स। ठीक है, स्टेमन छह हैं, चार बड़े दो छोटे तो टेट्रा डायनेमस। ठीक है,
और इनकी क्या है, सुपीरियर है, ओरी के अंदर ओव्यूल्स की क्या अरेंजमेंट है, तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओव्यूल्स की अरेंजमेंट किस किस्म की है, मार्जिनल है, ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ओवरी सुपीरियर है, मतलब ओवरी बाकी फ्लावर के हिस्सों से ऊपर निकल रही है, इसको कहते हैं ओवरी सुपीरियर। ऐसे फ्लावर को कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। दो कार्पल है और दोनों फ्यूज्ड है, तो बाइकार्पेलरी सिन कार्पस है। ओव्यूल जो है काफी सारे हैं, वन टू मैनी, बल्कि कई सारे होते हैं, एक नहीं होता, कई सारे ओव्यूल होते हैं। क्रिस्टल जो है वो नजर एक आता है, क्रिस्टल होते हैं और दोनों फ्यूज्ड होते हैं। Now, the most important part of any specimen which you have to solve in your exam, that is the floral formula and floral diagram. यानी आपने ये सारी डिस्कशन कर ली, आपने सारी डिस्कशन कर ली कि भाई फ्लावर में ये पार्ट्स हैं, इस पार्ट का ये नाम है, इस पार्ट का ये नाम है, फिर आपने सबसे एंड पे या लास्ट पे उन सब का आपने फार्मूला बनाना होता है। ये जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं फ्लोरल फार्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरल फार्मूला। जैसे आप केमिकल फार्मूला बयान करते हैं ना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फार्मूला। बिल्कुल इसी तरह से जब आपसे फ्लोरल फार्मूला कहा जाए तो आपने क्या कहना है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है फ्लोरल पार्ट्स की, ठीक है। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये सारे हर सिंबल का अपना कोई ना कोई मकसद या कोई ना कोई उसकी फीचर्स सामने होती हैं या उसको बयान किया जाता है। ये जो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हर पार्ट का, कैलेक्स का, करोला का, एंड्रोशियम और गाइनोशियम का, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं दी फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। अब अगर किसी के पास ये फ्लोरल फार्मूला हो, सिर्फ मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ एग्जाम में भी कि अगर आपके पास फ्लोरल फार्मूला आ जाए, तो फ्लोरल फार्मूला और आपको थोड़ी सी नॉलेज है फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स का, तो आप इसकी मदद से पूरे फ्लोरल करेक्टरिस्टिक्स को बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये दायरा हो और उसके अंदर ये जमा का निशान हो, प्लस का निशान हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्लावर कौन सी है, ये फ्लावर की सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। अगर ये दायरा खींचा हो और उसके अंदर प्लस की निशान हो, ठीक है ना, प्लस की निशान हो, तो इसको हम कहते हैं कि ये फ्लावर कौन सा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। यानी कि इसकी सिमेट्री जो है वो दोनों हर तरफ से मुमकिन है, दो इक्वल हाफ में उसको मोर देन वन प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। अगर ये वाला निशान हो, दायरा हो और उसके ऊपर भी तीर हो और नीचे भी जमा हो या प्लस हो, तो अगर ये निशान हो इसका मतलब ये है कि फ्लावर मेल और फीमेल पार्ट दोनों कैरी कर रहा है, बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों कैरी करता है, इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, ठीक है। फिर बारी आती है के की, के फॉर कैलेक्स। अगरचे कैलेक्स की स्पेलिंग है CALYX, कैलेक्स, लेकिन यहाँ पे करोला से उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कैलेक्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि करोला भी सी से है और ये भी सी से हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होगी स्टूडेंट्स को, इसीलिए हम कैलेक्स के लिए रिप्रेजेंटेशन देते हैं के की। तो कैलेक्स यानी जो सेपल्स हैं वो कितने हैं, वो भी आपको नजर आ रहा है, वो चार है और दो वॉल्स में है, यानी दो एक ही प्लेन में, दो दूसरे प्लेन में, तो 2+2 लिखा है। वैसे अगर आप सिंपली 4 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सिंपली आप क्या लिखेंगे 4, और 4 चूंकि हम कहते हैं कि ये फ्री है तो लिहाजा हमने कोई ब्रैकेट के अंदर उनको नहीं रखना, ठीक है। अगर कोई ये फ्यूज होंगे, सपोज ये सेपल इससे जुड़ा हो, कनेक्टेड हो, यहाँ पे तो आपको फ्री नजर आ रहा है ना, ये इससे फ्री है, तो यहाँ पे कोई ब्रैकेट आप नहीं लगाएंगे, जैसे इन्होंने नहीं लगा, लेकिन अगर ये जुड़ा हुआ हो किसी स्पेसिमन में तो आपने फिर ब्रैकेट इससे इर्द-गिर्द आपने ब्रैकेट रखना है, नंबर से इर्द-गिर्द, ठीक है। चार है तो चार को ब्रैकेट में रखना हो,
लेकिन यहाँ चूंकि फ्री है तो हम ब्रैकेट में नहीं रखते। अगली बारी आती है करोला की, यानी पेटल्स की। तो पेटल्स की तादाद भी चार है और चारों के चारों क्या है, फ्री है। तो हम यहाँ पे हमने सी के आगे फोर लिखा है और कोई ब्रैकेट नहीं डाला है, इसका मतलब ये है कि ये फ्री पेटल्स है। पेटल्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, जुड़े नहीं है। फिर एंड्रोशियम है, यानी कि स्टेमन्स की क्या हैसियत होगी, किस तरीके से इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो स्टेमन्स इसमें छः है और छः स्टेमन में दो छोटे और चार बड़े हैं। वैसे इस फार्मूले में फोर प्लस टू होना चाहिए, इन्होंने टू को पहले कर दिया है फोर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा आपको यह है कि आइडिया हो जाएगा। फोर प्लस टू का मतलब ये है कि फोर लार्जर एंड टू स्मॉलर, ये आपको अंदाजा हो जाएगा। तो टेट्राडायनेमस है तो फोर प्लस टू आ जाएगा। और दूसरा स्टेमन की जो रिप्रेजेंटेशन है डायग्राम में, वो आप किस तरह करेंगे, उसको आप किडनी या बीम की तरह आपने उसको शो शो करना होगा, ठीक है। गाइनीशियम पे आते हैं, गाइनीशियम यानी कार्पल। कार्पल की तादाद दो है, ठीक है, और दो के इर्द गिर्द ने ब्रैकेट डाला है। इसका मतलब ये है कि दो कार्पल है लेकिन दोनों कार्पल आपस में क्या है, फ्यूज है। बोथ दी कार्पल्स आर फ्यूज, इसीलिए ब्रैकेट डाला है। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्रैकेट का मतलब क्या हो कि जिस पार्ट की बात हो रही है वो दो है, तीन है, चार है, जितने भी है, कंडीशन की फॉर्म में है या अटैच फॉर्म में है, इसीलिए। यस सर। और दूसरा जी के नीचे एक लकीर है, लाइन है, इसका मतलब ये है कि इसकी ओरी ऊपर है, बाकी पार्ट जो है वो नीचे है। ओरी ऊपर बाकी पार्ट नीचे, यानी हाइपोगाइनस फ्लावर है। ओरी इस केस में हम लिखेंगे ओरी सुपीरियर। ओरी क्या है, सुपीरियर। अगर ये लाइन या ये जो खत है ये ऊपर होता तो हम कहते हैं कि ओरी इंफीरियर है, ओरी नीचे है, बाकी पार्ट्स ऊपर की तरफ हमार जो रही है। फिर फ्लोरल डायग्राम देखे तो ये सिमेट्री का निशान है, एक्टिनोमॉर्फिक है। ये फिर सेपल्स के लिए है, सेपल्स चार है और दो गिरो में है, ठीक है ना, आप इस तरह से या तो बटरफ्लाई शेप का शो करेंगे या फिर आसान ये है कि आप किडनी की शक्ल का शो करें। किडनी की शक्ल का आप शो करेंगे और छह है तो छह के छह किडनीज आप ड्रा करेंगे, ठीक है जी, आप बीन्स या किडनीज ड्रा करेंगे। फिर सबसे सेंटर में आपने क्या रखना है, गाइनेशियम। गाइनेशियम को आपने रखना है और इसके आप कैसे शो करेंगे, इसको भी आप बीन शेप शो करेंगे और चूंकि आपस में कनेक्टेड है तो दोनों को आपस में कनेक्टेड फॉर्म में और एक दायरे के अंदर ब्रैकेट में आपने इसको डाला, ब्रैकेट के अंदर दायरे। अगर ये खुला होता यानी फ्री होता तो फिर आप इसके इर्द गिर्द आप ये एनवेलप नहीं डालते, ठीक है, इसको आप फ्री शो करते हैं। अगर ये दो खुले होते, फ्री होते तो आपस में ये इस तरीके से एक ये होता और एक ये होता, करें बाहर ये ब्रैकेट ना होता, ठीक है। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्पेसिमन? नो सर, यू आर नाउ अनम्यूटेड। जी ये जो कैलेक्स है, कैलेक्स के कैलेक्स को पॉली कैपेलस, पॉली क्या बोलेंगे, आपको बताया ना यार, आप सुन नहीं रहे थे। मैंने कहा कि कैलेक्स को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैलेक्स, सी ए एल वाई एक्स, कैलेक्स है ना, लेकिन आगे करोला भी सी है ना। yes, तो फिर दोनों की एक कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, आपको अभी ऑलरेडी कंफ्यूजन है। तो ये के हम इसीलिए हम अपने आसानी के लिए शो करते हैं। और कैलेक्स जो सुना है अब ना, आप पूरा सुने, कैलेक्स की एक एक पत्ते को हम कहते हैं सेपल। कैलेक्स का एक पत्ता है, इसको हम क्या कहेंगे, सेपल कहेंगे। कैलेक्स तो पूरी वरल को हम कहते हैं ना कैलेक्स, लेकिन एक एक को हम कहते हैं सेपल। तादाद उसकी कितनी है, चार सेपल है, कैलेक्स में चार सेपल है और चारों के चारों फ्री है तो पॉलीसेपल्स, पॉली
सेपलस। फिर पेटल को हम कलेक्टिवली कहते हैं करोला। चार पेटल्स हैं तो हम कहते हैं पॉलीपेटलस, क्योंकि चारों के चारों फ्री हैं। समझ गया। सुना करें, थोड़ा सा एहतियात से सुना करें। मैं तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहा हूँ, स्लोली ग्रेजुअली सुन रहा हूँ। आप एक तो नोट नहीं करते, दूसरा आप सुनते नहीं है, ये मसला है। समझ गया। इसके लिए सबसे आसान चीज है वो फैमिली, जो फ्लोरल फार्मूला है, ये आपके पास होगा तो आप सब कुछ समझ लेंगे, ठीक है। इसी से आप हर एक पार्ट की रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं वर्ल्डिंग की शक्ल में। यानी मसलन ये आपके पास होगा तो आप कहेंगे कि ये फ्लावर क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है, ठीक है। इसी को आप फिर डायग्राम में भी बड़े आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपके पास होगा तो आप कहेंगे कि ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है, यानी दोनों सेक्स ऑर्गन या दोनों सेक्स पार्ट एंड्रोशियम और गैनिशियम दोनों मौजूद हैं, तो बाइसेक्सुअल। फिर कैलेक्स को जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी आप रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। चार कैलेक्स, चार सेपल्स है उसमें, कैलेक्स में चार पत्ते हैं, इसको हम सेपल्स कहते हैं, चार सेपल्स हैं, ठीक है। और कोई ब्रैकेट नहीं है तो हम कहेंगे कि फ्री है, पॉलीसेपल। करोला है तो करोला चार पेटल्स है उसमें और कोई ब्रैकेट नहीं डाला गया है, ठीक है, यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि पेटल्स फ्री है तो पॉलीपेटलस, ठीक है। अगर कोई यहाँ ब्रैकेट होता तो हम कहते हैं गैमोपेटलस, लेकिन कोई ब्रैकेट नहीं है तो पोली पेटलस। पोली फॉर फ्री, मैनी एंड फ्री, गेमो फॉर मैनी एंड फ्यूज्ड, ठीक है। एंड्रोशियम है यानी स्टेमन्स है, स्टेमन्स की तादाद 6 है, 4+2। ऐसे यहाँ पे इन्होंने 2+4 लिखा है, ऐसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन सही ये है कि आप 4+2 कहते हैं। 4+2 मतलब के टेट्राडायनेमस है, चार बड़े हैं दो छोटे हैं, ठीक है। जी फॉर गाइनीशियम, गाइनीशियम में कार्पल्स कितने हैं, दो कार्पल्स हैं और दोनों चूंकि आपस में जुड़े हुए हैं, सिन कार्पस है, ठीक है, बाइकार्पिलरी सिन कार्पस। और नीचे लकीर खींचा है तो लकीर का मतलब क्या है कि ओवरी इसकी सुपीरियर है, ओवरी टॉप पे है, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे है। इज इट क्लियर? तो सही तरीके से याद करो, हाँ सही तरीके से याद करो। और फिर अगले प्रैक्टिकल में इंशाल्लाह हम 2-3 स्पेसिमेन कवर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, मुझे थोड़ा सा काम है वो मैंने करना है। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद जो प्रैक्टिकल होंगे या जो स्पेसिमेन डिस्कशन होगी उसमें हम 2-3 स्पेसिमेन को एक साथ कवर करेंगे, ताकि आपका सलीवाई जो है वो सही तरीके से स्पीड से रहे। छुट्टियाँ कब है?